हेलो स्टूडेंट, चलिए फिर से क्लास को आज शुरू करते हैं। आज का जो क्लास होगा वो 4.3 एक्सरसाइज 4.3 का ये दूसरा पार्ट होगा। इसका पहला पार्ट हमने आपको करवा दिया है। इस चैप्टर का भी आपको तीन पार्ट मिलेगा, ठीक है। एक पार्ट हो चुका है, आज दूसरा है और एक तीसरा पार्ट और हम आपको बना देंगे, जिसमें से देखिए हर क्वेश्चन के लेवल को हम अलग अलग पार्ट में क्लियर करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि यदि आप मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं या मैट्रिक में पढ़ रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कंप्लीट कोर्स करना है, पूरा कंप्लीट कोर्स करने के लिए आपको कंपटीशन टारगेट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम अगर यूज करते हैं तो टेलीग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद आपको फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबका मिल जाएगा। आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं और वहां पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी होगा, आप संपर्क भी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को हम शुरू करते हैं और आज का जो क्लास होगा, जो पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 का जो हम द्विघात समीकरण का जो मूल निकाले थे, उस मूल में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा था कि हमको वर्ग विधि के द्वारा हमको मूल निकाल करके बताइए, ठीक है। तो वहां पे विधि का यूज किए थे। लेकिन दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पिछला एक नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, यदि उसका मूल निकलता है तो उसको आप द्विघाती सूत्र से भी निकालिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि द्विघाती सूत्र से मूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो दिया गया समीकरण है उसका मूल द्विघाती सूत्र से निकालना है, जिसमें आपको पिछला क्लास में भी यही क्वेश्चन सब था और ये तीन क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसका मूल वास्तविक है और मूल इसका निकलता है, ठीक है। इसलिए इसी तीनों को एक्सप्लेन करना है और मूल निकालना है। बाकी का उसमें जो था कि एक दो क्वेश्चन का मूल नहीं था तो उसका नहीं निकालना है, ठीक है। तो जैसे एक नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 2x²-7x+3=0। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका मूल निकालेंगे द्विघाती सूत्र से। तो सबसे पहले क्या कीजिए, लिख लीजिए a बराबर कितना होगा 2, b बराबर होगा -7 और c बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जैसे मूल बराबर हो जाएगा -b±√b²-4ac और ये पूरा के बटा में हो जाएगा हमारा 2a। ये होता है द्विघाती सूत्र, ठीक है। तो b क्या है, -7 है, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो -7 का प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि -7 का स्क्वायर -4 गुने a हो जाएगा 2 गुने और c हो जाएगा 3, पूरे के बटा में होगा 2 और a है तो a का होगा 2, ठीक है। तो अब इसको हम निकाल सकते हैं इस तरीका से, माइनस में माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो आएगा 7±√। ये हो जाएगा, देखिए माइनस में माइनस से, देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, -7 × -7, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 49, ठीक है। यानी कि ये हो गया हमारा 49 -4 × 8 और 8 × 3=24, ठीक है। और ये बटन हो जाएगा 2 × 4। अब इसको एक स्टेप और ले जाइए, यानी कि 7±√, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 और ये हो जाएगा हमारा 4। चलिए इधर हम आते हैं, 7 हो गया प्लस माइनस, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 5 और ये हो जाएगा बटा में 4, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7+5/4 और एक लिख सकते हैं 7-5/4, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस है इसलिए एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये हो जाएगा 7+5 = 12/4 और ये हो जाएगा 2/4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 times चला जाएगा और ये 2 times चला जाएगा, यानी कि 3 और ये 1/2 और यही इसका मूल होगा, ठीक है। तो इस तरीका से आप निकाल सकते हैं, ये सबका बहुत आसान है, ठीक है, द्विघाती सूत्र से निकालना बहुत ईजी है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ पे लिख लीजिए दूसरा क्वेश्चन कि 2x² + x - 4 = 0। तो इसको भी क्या करेंगे, a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -4 रख लेंगे। तो हम जानते हैं कि मूल बराबर हो जाएगा द्विघाती सूत्र से -b + √(b² - 4ac)/2। देखिए इसको एक तरीका से और निकाल सकते हैं, उसको भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। मतलब द्विघाती सूत्र इसका भी यूज कर सकते हैं, या आपको d निकाल करके डायरेक्ट यहाँ d का भी मान भर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी जो हम पिछला क्वेश्चन बताए हैं वो इस तरीका से बताए हैं, चलिए हम आपको इस तरीका से भी बताते हैं। सबसे पहले d निकाल देंगे तो d बराबर होगा -b² - 4ac, यानी कि b हो जाएगा 1² - 4 × a हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -4, यानी कि 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 × 8 = 32 हो जाएगा, यानी कि आ गया हमारा d कितना आया 33 हो गया, ठीक है। तो अब हमको मूल निकालना है, तो मूल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा -b + √(d/2a), ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो b कितना है, b हमारा 1 है, तो -1 + √ कितना होगा, d कितना आया है 33, और ये हो जाएगा 2 × a कितना है 2। चलिए इधर हम लेके आते हैं -1 + √(33), और ये हो जाएगा हमारा 2 × 4। तो इसका तो वर्गमूल होगा नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 + √(33/4), और एक लिख सकते हैं -1 - √(33/4)। मतलब ये दो तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते, डी नहीं निकालते, यहाँ पे b² - 4ac करके भी निकाल सकते थे, या डी से भी निकाल सकते थे। तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीका से आप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बना देते हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। कहता है कि 4x² + 4√(3x + 3)/0। अब इसको निकालना है, तो इसको भी क्या करेंगे, a = 4, b = √(3+3)/0 हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट मूल निकाल दीजिए, मूल बराबर -b + √(b² - 4ac), ठीक है। इस पर निकाल लीजिए 2a, तो यहाँ पे हो जाएगा b कितना है 4 - 4√(3), ठीक है, +√(b) कितना है तो 4√(3)² - 4 × a कितना है 4 है, और (c) कितना है 3 है, ठीक है, और ये बटा में हो जाएगा 2 × a कितना है 4। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 4√(3)± √, ये हो जाएगा, देखिए 4√(3)/4√(3) करेंगे तो 4 × 16 × √(3)/√(3) से गुना करेंगे तो √9 होगा, लेकिन √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, यानी कि 48 आएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए 48 - 4 × 16, और 16 × 3 कितना होता है 48, ठीक है। तो इस तरीका से ये निकल गया, और यहाँ पे हो जाएगा 4 × 8। इसको एक स्टेप यहाँ ले आइए, यहाँ पे लिख दीजिए 4√(3)± देखिए ये हो जाएगा हमारा √(0), क्योंकि 48 में से 48 घटेगा कितना होगा 0 होगा, और ये हो जाएगा हमारा 8। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं √(4√(3)± इसका वर्गमूल कितना होगा 0/8, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +0/8, एक लिख सकते हैं 4√(3)-0/8, यानी कि इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4√(3)/8, और एक ये हो जाएगा 4√(3)/8, इस तरह से होगा। इसको काट दीजिए 4 × 8, और ये भी 4 × 8 कट जाएगा, यानी कि √(3)/2, और एक हो जाएगा √(3)/2, दोनों सेम आ गया √(3)/2, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी है द्विघाती सूत्र का यूज करके मूल निकालना। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से निकल रहा है, और इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमसे कुछ भी कोई भी सवाल इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम इससे जस्ट आगे मतलब तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर क्वेश्चन जो होगा उसको हम सॉल्व करेंगे और उसका कंसेप्ट आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, कैरी ऑन।